अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक टू अदर ब्लॉग। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको अपनी बजीज की ब्रीडिंग प्रोग्रेस दिखाऊंगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बाहर का मौसम है और ये फेवरेट होता है हर बर्ड का ब्रीडिंग के वाले से, तो इसी तरह बजीज भी बहुत शौक से इस मौसम में जो है ब्रीड करते हैं, क्योंकि ना ये गर्मी होती है इस मौसम में और ना सर्दी होती है। इसी तरह मेरी बजीज ने जो माशाल्लाह से ब्रीडिंग बहुत अच्छे से की हुई है। कुछ ने तो अपने एग्स को हैच भी कर लिया और कुछ ने अब तक अपने एग्स को ले किया हुआ सिर्फ। तो जल्दी से वीडियो के टॉपिक पर चलते हैं। तो जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन क्लिक कर ले, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके, आप एंजॉय भी कर सके और फायदा भी उठा सके। ये देखिए मैंने फिंच का केज है, वो भी बाहर ला के रख दिया है, क्योंकि अभी गर्मी बहुत होती है अंदर, तो इसलिए ये देखिए माशाल्लाह यहाँ पे बिल्कुल खुश है और ये उछल रहा है। ये देखें, और मैं आपको ये वाले जो हमारे केजी हैं ये तो बिल्कुल खाली हैं, क्योंकि इसमें जो फीमेल थी वो उड़ गई थी आपको पता है, और इसमें से जो फीमेल थी उसको मैंने नीचे शिफ्ट कर दिया, क्योंकि उसने अपने एग्स को ले किया हुआ था, यहाँ पर थोड़ी डिस्टर्ब थी। तो अभी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वो देखो वो माशाल्लाह से एक नया पेयर बना है, ब्लैक कलर का जो है वो मेल है, और जो प्योर वाइट कलर की रेड आइज जो है वो फीमेल है। मेल जो है उसकी ब्लैक आइज हैं, और ये जो है ये दोनों जो है ना ये एक ही टाइम पे निकले थे, यानी कि इनकी बिल्कुल एज जो है सेम सेम है, और इन दोनों का फादर जो है ये वाला है। और इसकी जो फीमेल है ना वो उस वाली मटकी में बैठी हुई है, और उसने कुछ दिनों पहले अपने एक्स को ले किया होता, मैंने तब उसके अंडे देखे थे, और मुझे भी लगता है उसमें से बच्चे निकल आए हुए माशाल्लाह से, क्योंकि फीमेल जो है अब बाहर आती है, बस दाना खाती है और फिर अंदर चली जाती है। हम उसको भी देखते हैं। और ये वाली जो मटकी है बिल्कुल खाली है, इसमें जो है वो वाली जो फीमेल है ना वो किसी भी फीमेल को इसमें बैठने नहीं देती, उसकी बहुत गंदी आदत है। तो मैं सोच रहा हूँ कि वो वाली जो मटकी है उसको नीचे ला कर रख दें, ताकि ये वाला जो पेयर है वो इजीली सेलेक्ट कर ले और वो फिर इसके अंदर एग ले कर दें। और ये जो एक फीमेल है ये एक्स्ट्रा फीमेल है, तो इसके लिए कोई भी मेल नहीं है, तो इसका पेयर जो है इस वाले मेल के साथ लगा हुआ है, यानी कि एक मेल है और दो फीमेल ने पेयर बनाया हुआ है, और इसकी जो है और ये वाली फीमेल जो है इसकी मटकी ये वाली है। मेरे ख्याल इसने भी अपने एग ले किए हुए हैं, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर से और इसकी बॉडी से पता चल रहा है इसने अपने एग जो है वो ले किए हुए। तभी हम देखते हैं, मैंने दरवाज़ा खोल दिया। आपको पता ही है कि ये वाला जो केज है ये हमने खुद बनाया था फ्रूट की बास्केट का। अगर आपको इस वीडियो का लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो मैंशन कर देता हूँ। सबसे पहले इसी वाली फीमेल की मटकी में देखते हैं कि इसने अपने एग ले किए हुए हैं कि नहीं। जी हाँ, इसने मेरे ख्याल से वाओ एक एग ले किया हुआ है, इसलिए ये जो है मटकी के अंदर जाता है अपना वक्त गुजारती है। ये वाली जो मटकी मैं आपको पहले बताया कि खाली है, इस वाली मटकी में देखते हैं कि फीमेल के जो है वो चिक्स तो हैच हो चुके हैं। तो ये देखिए मेल जो है अभी फीड करवा रहा था, ये देखिए माशाल्लाह इसने जो है दो बच्चे हैं मेरे ख्याल से, और माशाल्लाह देखिए एक जो रेड आइज है, जिस बच्चे के जो है आई स्पॉट जो है वो ब्लैक कलर का नहीं ना होता, वो रेड आइज होता है बच्चा, और इसने मेरे ख्याल से पता नहीं दो हैं या तीन हैं, कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन इसका अभी एक जो अंडा है वो हैच होने वाला रहता है, तो हम इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि ये फीड करवा रहे थे। तो अभी मैंने आपको ये वाली कैलोनी दिखा दी है, मैं आपको नीचे वाली कैलोनी में दिखाता हूँ कि उसमें जो है ब्रीडिंग प्रोग्रेस कैसी जा रही है। इसमें माशाल्लाह से अच्छी जा रही है, मैंने पिछले हफ्ते देखा था, लेकिन एक हफ्ता हो गया मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा क्या प्रोग्रेस है। तो ये वाला तो आपको पता है कि इसमें कुछ भी नहीं है। इस वाली फीमेल ने जो है किधर गई, ये वाली जो फीमेल है इसकी, ये वाली मटकी है, ये सबसे पहली मेरी फीमेल है। इसकी वजह से आज जो है ना ये सारे मेरे पास बजीज हैं माशाल्लाह से, और अल्लाह इसको लंबी ज़िंदगी दे। कमेंट्स में आपने आमीन कहना है। लेकिन इसका जो मेल था वो उड़ गया था, वो ग्रीन कलर का था, और अभी इसकी मटकी में देखते कि इसने कितने एग ले किए हुए हैं। तो इस वाली फीमेल ने जो है माशाल्लाह कितने हैं, दो दो चार पाँच छः सात, इसने माशाल्लाह से एग जो है ले किए हुए हैं, लेकिन अभी तक इसने कोई भी हैच नहीं किया, इंशाल्लाह जल्दी हो जाएंगे। और इस वाले नेस्ट में देखते हैं, इसमें जो है एक ही एग ले किया हुआ है। हाँ जी, इसमें अभी तक नहीं, दो हैं, दो तीन है, बल्कि तीन एग ले किए हुए हैं फीमेल ने। और ये वाला जो घर है ये येलो वाली फीमेल का है, और मैं आपको ये वाली मटकी दिखाता हूँ, ये वाली, उसके बाद हम एंड वाली मटकी देखेंगे, यानी कि मैंने अभी आपको दिखाई है ये वाली मटकी दिखाई है और वो वाला घर दिखाया है। ये वाला इसमें तो कुछ भी नहीं है, आपको पता ही है, पहले भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा, कुछ भी नहीं है इसमें। अब इसके बाद मैं आपको ये वाला दिखाऊँगा, और फिर एंड वाली मटकी, और उसके बाद जो है वो वाली मटकी, और जो बाकी दो तीन मटकियाँ थी वो उसमें मैंने कुछ इसका लूनी में लगाई हैं, और कुछ जो है मैंने वाइल्ड चिड़ियों के लिए जो वो बाहर लगा दी हैं। तो अभी हम ये वाली मटकी देखने लगे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या प्रोग्रेस है फीमेल की। माशाल्लाह इसमें जो है इसके तीन बच्चे हैं माशाल्लाह, और अभी तक इसका एक जो एग है वो हैच होने वाला रहता है, यानी कि इसने चार एग ले किए हुए थे जिसमें से माशाल्लाह तीन बच्चे निकल आए हैं और एक जो है वो बच्चा भी निकल आया है। तो इसमें माशाल्लाह से देखें फीमेल का बच्चा, माशाल्लाह वाह यार कितना प्यारा कलर है इसका,
ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर है इसका, और माशाल्लाह बच्चा देख कितना ज़्यादा बड़ा हो चुका है, और मुझे पता ही नहीं था, मैंने काफ़ी दिनों के बाद आज देखा है, और इसका अभी तक एक एग जो हैचने वाला रहता है, मेरे ख्याल से अंडा जो ही फर्टाइल नहीं होगा। यार बच्चा कितना प्यारा है माशाल्लाह, इसको मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। इस बच्चे को जब बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, काफ़ी पीछे है ये, अभी डर रहा है, देखिए बोलना शुरू कर दिया इसने, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इसको बाहर निकालूँ, क्योंकि माशाल्लाह इसका कलर बहुत ज़्यादा प्यारा है यार। इसको ना ऊपर से ढक्कन उतारते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ निकाल के। वो देखें ये माशाल्लाह यार, माशाल्लाह इसका कलर देखें, क्या कमाल कलर है इसका, वाओ माशाल्लाह। मदर है वो है ब्लू कलर की है माशाल्लाह, लेकिन उसका लाइट ब्लू है, यानी कि स्काई कलर है। वो देखिए वो बैठ गए दोनों, और अपने बच्चे को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि परेशान हो गया, मैंने इसको कभी निकाला नहीं है, तो इसको जो दोबारा मटकी के अंदर रखते हैं। देखिए मेल जो आ गया इस मटकी में, क्योंकि उसने अपने बच्चे को पहचान लिया है और वो टेंशन में है, तो इसको जो दोबारा रख देते हैं। ये जो इसका फादर है ना, ये बिल्कुल भी नहीं काटता, ये जो मेल है ये भी हैंड टेन था एक तरह का, लेकिन इसको भी काफ़ी देर होगी, इसको मैं कभी हाथ में नहीं पकड़ा, तो अभी थोड़ा वाइल्ड वाइल्ड हो गया, यानी कि काटता अभी भी नहीं है, लेकिन थोड़ा डरता है। देखिए माशाल्लाह कितना ज़्यादा प्यार है, ये देखिए ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, ये देखें यार माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यार है। देखिए इसको फीड भी अच्छे से करवाई हुई है, ये देखिए इसकी बैली बाहर निकली हुई है, अभी तक इसके पार जो खुले नहीं है, ये देखिए वो है फीमेल, इसको जो है अंदर रख देते हैं, इसको ज़्यादा तंग नहीं करेंगे। और ये वाला जो मेल है ना, इसकी मटकी ये वाली है, ये वाली जिसमें जो थे तीन बच्चे थे, ये देखिए माशाल्लाह से ऊपर चढ़ गया है, ये देखें छोड़ दिया मैंने इसको माशाल्लाह। अभी इसके जो है तकरीबन एक एक दो हफ्ते तक ये मटकी से बाहर खुद ही आ जाएगा, और फीड भी खाना शुरू कर देगा। अभी तो ये सेल्फ फीड पे नहीं आया हुआ, अभी तो इसको फीड करवाते हैं, इसको जो है दोबारा रख देते हैं। तो अब मैं आपको ये वाली मटकी दिखाता हूँ, इसमें जो है फीमेल का माशाल्लाह माशाल्लाह इसका एक ही बच्चा है, और इसके पास अंडा भी कोई नहीं है, यानी कि इसने अभी तक एक ही बच्चा जो है वो हैच किया है, और एग इसने शायद खुद ही खा लिया, क्योंकि वो फर्टाइल नहीं होंगे। अभी हमें करना ये है कि वो वाली जो मटकी है उसको उतार के नीचे रख देना है, ताकि ये जो मेल और फीमेल जो है नीचे बैठी हुई है, ये जो है इस मटकी को सिलेक्ट कर ले, और इसमें जो है अपने एक्स को ले कर दे। अब वो देखें ये फीमेल जो बहुत ख़तरनाक है, ये हमेशा इन दोनों को मारती रहती है, ये देखें अभी देख रही है कि कहीं वो मेरी मटकी के पास तो नहीं आ रहे। तो यहाँ से जो वायर है उसको मैं खोल रहा हूँ, तार जो लगी हुई है उसको मैं खोलने लगा हूँ, ताकि इस मटकी को नीचे हम उतार दें, और वो पेयर जो है सिलेक्ट कर ले इस मटकी को, और इसमें जो है ब्रीड कर दे। ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसको मैंने बहुत टाइटली बंद किया हुआ था, ये देखें खुल गई है। अब इसको दरवाजे के साथ जो है ना खोल देते हैं, देखिए फिर लड़ाई होगी इन दोनों की, ये बहुत ख़तरनाक है। इस मटकी को जो है ये देखें मैंने उतार दिया, और इसको जो है नीचे रख दिया है। अब उम्मीद तो है कि ये पेड़ जो है इस मटकी में चला जाए और अपनी ब्रीडिंग जो है वो कर दे। फीमेल ये है, और अभी जाने की कोशिश करेगी, और इंशाल्लाह ये ब्रीड कर देगी, मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा जब ये ब्रीड करेगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दें, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन क्लिक कर दें। अल्लाह हाफिज़।